कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में निक गोल्डमैन ने दुनिया की सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव बनाई है और इसने ये डीएनए के जरिए बनाई है। अपने काम में निक को सैकड़ों के हिसाब से मैं टेराबाइट्स को डाउनलोड करना पड़ता था। इसको इस बात का बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि इसके कंप्यूटर में स्पेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। एक दिन इसको ख्याल आया क्यों ना डेटा को डीएनए पर स्टोर किया जाए। फिर इसने डिजिटल फाइल्स को डीएनए कोड में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह निक ने एक्चुअली डीएनए को सुपर हार्डवेयर में तब्दील कर दिया जो कि हमें नज़र भी नहीं आता। डीएनए में हम अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं जैसा कि मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़। ये टेक्नोलॉजी अभी अपनी शुरुआत में है। 10 सालों तक हम ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट्स एक छोटी सी जगह पर स्टोर कर सकेंगे।